गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। मैं बात करूंगा एप्पल साइडर विनेगर के बारे में कि ये आपको कितनी मात्रा में रोज इस्तेमाल करना चाहिए। जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में, आज उसको साइंटिफिकली एनालाइज करूंगा मैं। नाउ, जहां तक एप्पल साइडर विनेगर की बात है, ये प्रिपेयर कहां से होता है? ये प्रिपेयर एक्चुअली होता है एप्पल की स्लाइसेस से, या एप्पल जूस से, या नेचुरल एप्पल जूस से। इसको फर्मेंट किया जाता है एंड ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये दो चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि जो एप्पल के जो स्लाइसेस हैं वो फर्मेंट भी होंगी एंड ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी होगी। जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं इस प्रिपरेशन के या एप्पल साइडर विनेगर के, साइंस ऐसा मानती है कि वास्तव में इसमें हाई कंसेंट्रेशन होता है एसिटिक एसिड, एंड जो बहुत सारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेनिफिट देते हैं हमारी बॉडी को। तो ये दो चीजें हैं, एसिटिक एसिड एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जो एप्पल साइडर विनेगर को इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ये बात सही है कि एप्पल साइडर विनेगर में इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स एंड कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसको जो प्रोसेस है इसके बनाने में, इसमें वास्तव में क्रश्ड या स्लाइस जो एप्पल होता है उसको ईस्ट और एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया को एक्सपोज कराया जाता है, यानी स्लाइसेस होंगी एप्पल की या सेव की, और उसको ईस्ट से और एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसे एक्सपोज कराया जाएगा। और ये जो एक्सपोजर की प्रोसेस है, इसमें अल्टीमेटली एप्पल साइडर विनेगर प्रोड्यूस होता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसमें वास्तव में जो एप्पल में जो नेचुरल शुगर्स होती हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब ये कन्वर्ट होती हैं तो रिजल्ट जो आपके सामने आता है वो है जो एप्पल साइडर विनेगर का एक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, उसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं जिनमें भी एसिटिक एसिड होता है। इन इसमें बहुत सारे लिविंग बैक्टीरिया, लिविंग कल्चर्स डेवलप हो जाते हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, ये एंटीफंगल प्रॉपर्टी लेके चलता है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी लेके चलता है, और ये एसिडिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्वालिटीज भी लेके चलता है, जो अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी है उसको बेनिफिट प्रोड्यूस करता है। नाउ, ये स्मॉल अमाउंट में जो विनेगर है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो फर्मेंटेड एप्पल जूस है, इसके जो पंजेंट एंड सोर स्मेल होती है, और उसी तरह के इसका स्वाद भी होता है, फ्लेवर भी होता है। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो साइंस ऐसा एनालाइज करती है कि एक कप जो एप्पल साइडर विनेगर है, यानी 8 ounces जो एप्पल साइडर विनेगर है, उसमें अराउंड 120 कैलोरीज होती हैं। नो, अलग अलग जो कंडीशन हैं उनमें कितने रिकमेंडेशन है और किस तरह की रिकमेंडेशन है एप्पल साइडर विनेगर में, जरा इसको एक बार ध्यान से देखिए। जो ब्लड शुगर का मैनेजमेंट है, इसमें रिकमेंडेशन है कि आपको रोज 20 ml बिफोर मील्स लेना चाहिए, यानी लंच के पहले 20 ml लेना चाहिए एंड डिनर के पहले 20 ml लेना चाहिए फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, द रिकमेंडेशंस आर कि आपको 15 ml डिनर के पहले लेना चाहिए 7 ounces पानी में मिला के, यानी 15 ml लेना चाहिए और डिनर के पहले लेना चाहिए अगर पीसीओडी है तो। नंबर तीन, जो वेट लॉस है उसके लिए रिकमेंडेशन है कि आपको 15 to 30 ml, यानी 15 से 30 ml आपको 3 महीने तक लेने की जरूरत है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप खाने के पहले लें बाद में लें, लेकिन आपको रेगुलरली अप्रोक्सीमेटली 3 महीने इसको कंज्यूम करने की जरूरत है। नो, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 15 से 30 ml लेना चाहिए बिफोर मील्स। दैट मींस कि आपको दोपहर के खाने के पहले भी 15 to 30 ml लेना चाहिए, आपको रात में खाने के पहले भी 15 से 30 ml लेने की जरूरत है, जिससे डाइजेस्टिव प्रोसेस इंप्रूव होती है। नाउ, ऑल दोस पीपल जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है, आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज करना चाहते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, द रिकमेंडेशंस आर कि आपको 4 चम्मच या 20 ml लेना चाहिए फॉर अराउंड 8 weeks।
इसको खाने के पहले लें, इसको खाने के बाद लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब्ड है या डिसलाइपिडेमिया है या लिपिड्स बढ़े हुए हैं, द रिकमेंडेशंस आर कि आपको 30 ml आपको खाने के पहले या खाने के बाद, आप जो ठीक समझते हैं लें, लेकिन 30 ml आपको सवेरे शाम दोनों बार लेने की जरूरत है। दीज आर द रिकमेंडेशंस। नाउ व्हाट अबाउट द जनरल वेलनेस? जो जनरल वेलनेस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो कोई एग्जैक्ट अमाउंट ये बताती हो कि इतनी अमाउंट आपको लेना चाहिए, इससे आपको फर्क पड़ेगा। नाउ जहां तक एप्पल साइडर विनेगर का सवाल है, ये हमारा जो किचन है इसका स्टेपल है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसको एस ट्रेडिशनल रेमेडी बहुत सालों से यूज किया जाता रहा है, लेकिन इसकी क्या करेक्ट डोज है जो आपको हेल्प करेगी, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या इंटेंशन है, आप क्या ट्रीट करना चाहते हैं। तो उसकी जो डोज है, आपकी जो कंडीशन है या आपकी जो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड है। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी, ये मैंने मेडिसिन नेट से निकाली हुई है। ये मेडिकल रिव्यू हुआ था 27/7/22 को, एंड विच वॉज डन बाई साजिया अल्लाह रखा MD। तो इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मेडिसिन नेट से निकाली गई। थैंक यू वेरी मच।